हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेरिस गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये इतने ज़्यादा पॉट तो नहीं होते जितना आदमी पौधे लगाता है, और मिट्टी भी इतनी नहीं होती और स्पेस की भी इतनी नहीं होती। तो देखिए, मैंने एक ही गमले में कई सारी चीज़ों का लाभ लिया है। देखिए, इसमें ये मेरा ये फूल लगा है, ये फ्लावर है। तो दोस्तों, हम अच्छी अगर मिट्टी बनाएं, भुरभुरी मिट्टी बनाएं, हमारी ये, और पानी का ध्यान रखें, थोड़ा फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, और बीच बीच में मैं नीम स्प्रे भी करती रहती जो मैं घर में बनाती हूँ, तो हमारे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और कम स्पेस में हम ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं। और ये देसी टमाटर है, ये देखिए फ्लावरिंग करने लगे, और ये भी देखिए देसी है, ये देखिए फलने भी लगा, ये देखिए ये देसी है। बस इसका पौधा ये घना होता जाएगा, ब्रांच में ब्रांच लंबा भी होगा, लेकिन फल ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। इसी तरह ये भी देखिए, और सारे पौधे स्वस्थ हैं। ये फ्लावर ये हमने ऊपर बाल्टी में लगाया है, ये 5-6 किलो की बाल्टी है। और ये देखिए ये फ्लावर, ये टमाटर कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं। अब मिट्टी मेरी वही जो मैं मिट्टी बनाती हूँ, जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, जब से मैंने मिट्टी बनाई है, ये पौधे लगाए हैं, तब से एक बार लिक्विड मैंने, ये ठंड है तो सरसों की खली 3-4 दिन थोड़ा सा गुड़ डाल के गला दिए थे, और 2 उसी में केला डाल दिए थे, उसी का लिक्विड बनाया मैंने, छान के डाल दिया है। ऐसे ये भी देखिए कि कितने सारे स्वस्थ हैं। ये इधर ये छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं हो पाया अभी, ये देखिए ऊपर फ्लावर का भी लाभ ले सकते हैं, और नीचे ये टमाटर का भी। और जैसे बड़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते।